हाय गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर प्रैंक वीडियो। तो गाइज, आज का तो प्रैंक है बहुत ही खतरनाक प्रैंक होने वाला है, और आज मैं करने वाला हूँ डबल मीनिंग प्रैंक ऑन वाइफ। तो अभी मैं रूही को वीडियो कॉल करूंगा और उसको मैं बोलने वाला हूँ कि यार तू बिना मांगे कुछ भी नहीं देती है, मेरे को सब कुछ मांगना ही पड़ता है कि ये दे दो और वो दे दो। तो मैं जा रहा हूँ अब किसी और के पास जो मेरे को बिना मांगे सब कुछ ही दे दे। तो गाइज, आप ज़्यादा नोटी मत सोचो, मैं चाय की बात कर रहा हूँ कि चाय मांगनी पड़ती है। फिर देखते हैं कि रूही का कैसा रिएक्शन होने वाला है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वाले प्रैंक वीडियो में। जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। तो अभी उसको वीडियो कॉल मिलाते हैं और अपना जो भी डबल मीनिंग प्रैंक है उसको शुरू करते हैं गाइस। हेलो। हाँ। तुम हमको ये बताओ कि क्या चल रहा है ये सब आजकल? क्या चल रहा है? तेरे को नहीं पता कि क्या चल रहा है? नई नई स्टोरियां लग रही है ना, मेकअप करे जा रहे हैं, कपड़े बदले जा रहे हैं। यहाँ पे रहती थी जब तक तो चुड़ैल की तरह रहती थी, वहां पहुंच के तो हीरोइन बन गई। मेरे सामने तो तू कभी इतना सज धज के नहीं आई, ना हीरोइन बन के आई, वहां पे जाके एकदम से तू बदल गई। तो क्या हीरोइन बन के आऊंगी? पति के सामने ही तो रहना है, थोड़ा सा कंफर्टेबल होके रहो। तो पति के सामने ही तो रहना है तेरे को सज धज के, ताकि तेरे को देख के कुछ मन करे करने का। ऐसा कभी होता ही नहीं है, है ना, सब कुछ मांगना पड़ता है तेरे से। अच्छा जब भी मैं आती हूँ ना तो मुझे हटा देता है, ठीक है ना? आप जब मैं यहाँ पे आ गई हूँ ठीक है ना? नौटंकी क्या बात है, सब कुछ मांगना पड़ता है। तूने दिया है कभी बिना मांगे कुछ भी? तो तेरे को जब जब चाहिए तुम बोला कर ना कि मेरे को चाहिए, मैं कैसे समझ जाऊं? हाँ, तेरे से मैं बोलू है ना, तेरे को तो समझना हाँ। होगा कब पति को जोरत है ना, कब जोरत नहीं है। अच्छा तू ऐसा बकवास मत कर, काम कर ठीक है ना, फालतू वाले लगता रहता। रुक जा एक सेकंड, दोस्त का फोन आ रहा है, रुक जा। हेलो। हाँ भाई, शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हाँ, अरे यार मेरे को ना तेरे से कुछ पूछना था यार। मैं ये पूछ रहा था कि मतलब तेरी जैसे भी नई नई शादी हुई है तो तेरे को मांगना पड़ता है या फिर बिना मांगे मिल जाती है? ए हे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। कौन है तू, किसको पूछ रहा है? बिना मांगे मिल जाती है। अरे यार भाई, मेरी तो किस्मत बहुत ही बेकार है यार, मेरे को तो एक भी टाइम नहीं मिल रही है, और जब जब मिलती है उसमें भी मांगना पड़ता है भाई। हाँ यार, बहुत ही मतलब सही है, किस्मत खराब है मेरी तो। तेरी बढ़िया है भाई, बिल्कुल बिना मांगे। कितने टाइम मिल रही है तेरे को? 3 टाइम? अभी हाँ, सुबह शाम रात। वाह भाई वाह, मजे आ रहे हैं भाई। नई नई शादी है ना, अभी मजे ले लो, जब पुरानी हो जाएगी ना फिर मेरी तरह तेरे को पछताना पड़ेगा, फिर मांगना पड़ेगा, पीछे पीछे भागना पड़ेगा। हाँ भाई, ये ऐसी हो जाता है भाई शादी के बाद, तो फिर किस्मत बेकार है यार मेरी तो भाई, बस पूछ मत, मैं तो अकेला ही हूँ यहाँ पे। हाँ चलो, मिलते हैं यार तुमसे, है ना, फिर थोड़ी बहुत बातें डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है? क्या हो गया, बात तो करने दिया कर किसे, इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है यार, तू बीच में पॉइंट 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 बत्त की तरह आ जाती है। तो तू ये सब बातें उसको क्यों बता रहा है, कौन था, कौन है? अरे दोस्त है यार मेरा, अगर मेरे को कोई तकलीफ होगी तो मैं उसको ही तो बताऊंगा, उसको कोई तकलीफ होती है वो मेरे को बताता है। अरे ये तो बातें बताने वाली होती है यार, सबसे बड़ी तकलीफ तो यही है। अब मैं किसको बताऊं, किसी पड़ोसी को पकड़ूं कि भाई मुझे नहीं मिल रही है ना? तो तेरे को जो दिक्कत हो रहा है तो तू मुझे आके बोल रहा है, तू दूसरों के जाके क्यों बोल रहा है? तेरे को तो कोई दिक्कत दिखती नहीं है यार, जो मेरे को चाहिए तूने कभी दिया है टाइम पे? यार देख, अब मुझे कोई जोरत है तो तुझे तो मेरे शक्ल पे दिखना चाहिए ना, ये बता। मैं भगवान नहीं हूँ ठीक है ना, और मैं ये सब करने के लिए बैठी नहीं हूँ, तुझे जो चाहिए तुम जाके बोल। अरे मतलब थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन से समझ जाए कर, शक्ल देख लिए कर, कब इंसान को चाहिए कब नहीं चाहिए। तेरे को तो ध्यान ही नहीं जाता यार मेरे ऊपर, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है तेरा। देखो शर्म वरम नहीं आता क्या, तू अपनी वाइफ की बात जाके बोल
अरे दूसरों की कहाँ बात कर रहा हूँ यार, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना उससे कि भाई मैं इतना परेशान हूँ, इतनी तकलीफ हो रही है, नहीं मिल रही मुझे यार। इससे अच्छा तो फिर मैं काम वाली रख लेता हूँ कोई, है ना, कम से कम सुबह भी, दोपहर भी, रात को भी सब चीज मिल जाया करेगी बिना मांगे। अच्छा हाँ, मतलब अब जैसे मेरी एक दोस्त है, अब कभी कभी उसके घर जाना होता है ना, तो वो तो बिना मांगे दे देती है मेरे को। अरे एक मेरी स्कूल की दोस्त है ना, यहीं पे घर के पास ही रहती है, तो अभी उसका बर्थडे था थोड़े दिन पहले, तो फिर मैं गया था और बिना मांगे दे दी उसने। तो तेरी क्या परमिशन लूंगा और क्या। हाँ तो बिना मांगे मिल जाती है, और तेरे से देखो हर चीज मांगनी पड़ती है, कुछ भी नहीं मिलता तेरे से तो। अरे यार देख, अब जैसे मैं इंसान हूँ, इंसान की बहुत ज्यादा इच्छाएं रहती है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी इच्छा पूरी करेगा नहीं करेगा ये बता तू। तो अभी तो मैं जवान ही हूँ यार, देख इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ हूँ। मरना तेरे को डर नहीं लगता। तो कहाँ शादी लग रहा है यार, क्या मेरा शादी हो गया ये बता दो। मेरे दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या घूम रहा है, पर तू ही तो नहीं समझती है, तो इसलिए मेरे को मतलब कोई ढूंढना पड़ता है ताकि वो मेरे को समझे, मेरी जो भी सारी इच्छाएं हैं वो सब पूरी कर जाए। तू कब आ रही है यहाँ पे ये बता तू। चल ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ शादी घूमता रहता है लोगों का, यही सब चक्कर। यार इतना तो सीधा साधा पति हूँ मैं तेरा, तेरे को विश्वास होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए अपने पति पे। तू सीधा साधा तेरा है तो तेरा इंसान चालाक इंसान है। तू कब आ रही है यहाँ पे ये बता तू, या फिर मेरे को दूसरों से ही मांगना पड़ेगा। अच्छा, अरे यार देख, अब जैसे गर्मी आ गई है ना, अब बहुत सारा काम रहता है, तो मम्मी अकेला काम कर नहीं पाती है, तो मम्मी से फिर खाना मांगो, चाय मांगो तो थक जाती है, इसलिए तेरे को बोल रहा हूँ कि तूने तो कभी मेरे को समझा नहीं, है ना, ना टाइम पे खाना मिलता, ना चाय मिलती है, ना कुछ मिलता है। मैं और बात कर रहा था, मैं तो खाने चाय वाय की बात कर रहा था यार, मेरे को मतलब मांगनी पड़ती है सब चीजें कि खाना ला दो, चाय ला दो, पानी ला दो, ये सब की बात कर रहा हूँ मैं तो। तो तू चाय का बात कर रहा था, देख झूठ मत बोल मुझे, अब तू पकड़ा गया, तू दूसरों के घर जाता है, ठीक है ना, तू क्या लेने जाता है दूसरों के घर। तू पागल वागल हो गई क्या, मैं तो खाने वाने की बात कर रहा हूँ यार, कि खाना टाइम से नहीं मिलता है, तेरे से बोलना पड़ता है कि खाना दे दो। ये पागल औरत, मैं खाने की बात कर रहा हूँ, तू कौन सी बात समझ रही है, प्यारी समझ गई। तू क्या मांगना पड़ता है, क्या बिन बिन मांगे मिल जाती है। फ्रेंड को क्या बोल रहा था फोन करके? अरे मैं तो उससे पूछ रहा था कि जैसे नई नई शादी हुई है उसकी, है ना, कि उसकी पत्नी सुबह उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के लाती है, लंच देती है, डिनर देती है। तू क्या सोच रही है। मैं तो कुछ और ही सोच रही हूँ, ओ पता नहीं इंसान क्या क्या बोलता रहता है। तेरा दिमाग, मेरे को अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तू पकड़ा गया इसलिए ये सब बोल रहा है, ठीक है ना। तेरा दिमाग बहुत ही सच्ची में मैं समझ गया कि किस लेवल का दिमाग हो रखा है तेरा। ठीक है, हो उच्च गया। उच्च सोच वाली हो गई तू, उच्च सोच।
ठीक है, मैं सोचती ही ऐसी हूँ, ठीक है, खुश जल्दी आ जाए यार, फिर मेरे को किसी और से ना मांगना पड़े, है ना, तेरे से ही मिल जाए खाना वाना टाइम पे, वो ही सही रहेगा। खाना बनाने वाली रख दो, चलो। हाँ चल ठीक ठीक है, करता हूँ मैं थोड़ी देर में अभी, हमेशा लड़की का चक्कर, छी यार छी छी, ठीक है चल अभी करता हूँ थोड़ी देर में, काम से जा रहा हूँ मैं, ठीक है चल, फालतू वाली बातें करता।